व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूं निकेत, आप देख रहे टिक्स के बड़े यूट्यूब चैनल। सो गाइस भाई, आज के इस वीडियो के तरफ गाइस बात करने वाले इसमें सबसे रेयर बंडल के बारे में, जिसका नाम है बनी बंडल। एंड गाइस भाई, ये बंडल पहनते गाइस काफी बंदे गाइस भाई अलग ही लेवल का भाई गेम प्ले दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड गाइस भाई, ये बंडल में आपको कितने डायमंड में गाइस मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ गाइस भाई ये बंडल आपको निकालना चाहिए गाइस भाई नहीं निकालना चाहिए, आज के इस वीडियो के अंदर गाइस फुल डिटेल गाइस वीडियो है। एंड उसी के साथ साथ जितने बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड गाइस भाई घंटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पे सेट करना मत भूलना। एंड गाइस आपको कुछ पर्सनली बात करना मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सिंपल सर्च करना GDX gamer 0102 एंड गाइस सिंपल फॉलो के बटन पे टैप कर देना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना एक्सीडेंट हो के। ठीक है, सो गाइस भी आप सभी को भाई पता है भाई ये बनी बंडल गाइस क्यों फेमस है, यानी कि भाई अपने फ्री फायर के अंदर गाइस बनी बंडल लिटरली काफी ज्यादा फेमस है। बिकॉज़ यार इस बंडल का फेमस होने का रीजन भाई रायस्टार है, कि भाई अपने रायस्टार को भाई मोस्टली गाइस वीडियोस में देखा होगा भाई ये बनी बंडल पहनते हुए। एंड गाइस बनी बंडल पहनने के बाद गाइस भी आपका मूवमेंट है लिटरली अलग ही लेवल का हो जाता है, गेम प्ले भी काफी अच्छा हो जाता है आपका। नजर ने भी क्या जादू है इस बंडल के अंदर। एंड गाइस भी आपको बता दूं गाइस भाई ये बंडल में भी सेकंड या थर्ड बार आ रहा है, कंफर्म तो नहीं हो लेकिन भाई ये बंडल सेकंड बार आ ही रहा है। उसी के साथ साथ गाइस भाई ये बंडल पहनने के बाद भाई आप यार अलग ही लेवल का रायस्टार देखोगे। एंड इस बंडल के साथ साथ गाइस भी आपको काफी कुछ गाइस देखने को मिलता है इस लक रॉयल इवेंट के अंदर। लाइक भाई आपको MP40 गाइस मिलेगा, बर्निंग MP40, एंड उसी के साथ साथ गाइस भी आपको लॉन्चर का स्किन मिलेगा, एंड यहाँ पे गाइस चार्ज बस्टर एंड गाइस बैकपैक का स्किन, एंड साथ साथ गाइस आपको टोकन भी गाइस देखने को मिल जाएगा। यानी कि भाई इसका गाइस दो टाइप से भाई आप निकाल सकते इस बंडल को। एंड गाइस भाई इसके अंदर जितने भी रेयर आइटम गाइस दिए हुए उन सभी को फर्स्टली गाइस भी आप यहाँ से गाइस डायमंड का स्पिन करके निकाल सकते हो, एंड सेकंड गाइस यहाँ से भाई टोकन कलेक्ट करके भी आप यार बंडल डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपका बंडल नहीं निकलता है या गाइस भी कोई भी रेयर आइटम नहीं निकलता है तो गाइस भी आप यार टोकन निकाल कर भी टोकन से इजिली एक्सचेंज कर सकते हो। तो गाइस ऐसे मान लो कि भाई आप यार स्पिन कर रहे हो, भाई आपको टोकन गाइस यहाँ पे मिल रहा है, तो भाई आप उस टोकन को सिंपल यहाँ पे स्टोर के अंदर रिडीम वाला सेक्शन की तरह के सिंपल यहाँ पे नीचे के साइड स्क्रॉल करना, यहाँ पे गाइस भी आपको एक्सचेंज करने का भी मिल जाएगा। यहाँ से गाइस भी आप टोकन से बनी बंडल, बनी MP40, चार्ज बस्टर, लॉन्चर, MP5 एंड यहाँ पे बैकपैक वगैरह गाइस भाई इजीली गाइस भी कर सकते हो एक्सचेंज। अगर आपका लक सही नहीं है एंड गाइस भी आपको स्पिन के थ्रू नहीं निकलता रेयर बंडल या रेयर आइटम, तो आप यार एक्सचेंज भी कर सकते हो, ये काफी अच्छा चीज है। अब यहाँ पे गाइस बात करते भी आपको कितना डायमंड भाई लग जाएगा भाई इस रेयर बंडल को निकालने में या गाइस रेयर आइटम को निकालने में। तो गाइस सिंपल से गाइस बताओ, तो अगर कोई भी इवेंट गाइस भाई आता है एंड गाइस भी आप उसी टाइम स्पिन करते हो, तो गाइस भाई आपका गाइस वहां पे 90% गाइस चांस रहता है कि आपको यार 200 से 300 डायमंड के अंदर आपको रेयर आइटम मिल ही जाएगा। याद रखना गाइस, जब इवेंट आता है मैं उस टाइम का बात कर रहा हूं, जैसे गाइस भाई इवेंट का टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे गाइस क्या होता है बहुत बंदे गाइस इसके अंदर स्पिन डालना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जो गाइस भाई रेयर आइटम निकालने का जो गाइस लक होता है भाई धीरे धीरे कम हो जाता है सारे बंदों का। लेकिन गाइस अगर मान लो भाई इवेंट को आए हुए काफी टाइम हो गया है तो भाई कितना डायमंड लग सकता है, तो गाइस भाई आपको एक रेयर बंडल निकालने में लिटरली गाइस यहां पे 1500 डायमंड लग ही जाएगा कुछ भी रेयर आइटम गाइस लक रॉयल से निकालने के लिए। बट गाइस भाई वो भी आपके लक के ऊपर गाइस डिपेंड रहेगा, अगर आप अच्छे से स्पिन डालते हो गाइस भाई आपका यार हो सके दूसरे तीसरे स्पिन में ही रेयर बंडल निकल जाए, नहीं तो भाई आप 2-3 हजार डायमंड भी लगा दोगे फिर भी आपको रेयर आइटम नहीं निकलेगा। एंड एक और चीज गाइस मैंने नोटिस करा, मोस्टली इवेंट के अंदर जो गाइस भाई स्पिन होते हैं गाइस भाई 40 डायमंड के नहीं होते, 20 डायमंड का एक स्पिन होता है। बट यहाँ पे गाइस बनी बंडल रेयर होने की वजह से गाइस भाई इसका फर्स्ट स्पिन यानी कि एक स्पिन 40 डायमंड का है। एंड गाइस भाई ये रायस्टार का फेवरेट बंडल है, इस वजह से गाइस भाई इस बंडल का फ्री फायर के अंदर काफी ज्यादा क्रेज भी है। तो गाइस आप लोग बड़ी कमेंट कर बताना भाई आप इस बंडल को निकाल रहे हो या गाइस नहीं निकाल रहे हो। गाइस कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या गाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइस ये वीडियो भाई यहीं तक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय 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 बाय।